आज पूरा देश राममय हो गया है। ऐसा क्यों ना हो, आज यानी सोमवार 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में ग्रैंड राम मंदिर का भव्य इनॉग्रेशन जो हुआ है, ये एक बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें देश विदेश के लाखों लोग वहां पहुंच रहे हैं। एक दिन पहले SBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उत्तर प्रदेश को हर साल 25,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है। अब अयोध्या को लेकर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने एक रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि कैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा इंडियन इकोनॉमी पर एक लार्ज इम्पैक्ट डालने वाली है। चलिए क्या कुछ रिपोर्ट में जानते हैं इस वीडियो में। हाई, दिस इज भावना एंड यू आर वॉचिंग गुड रिटर्न्स। रिपोर्ट में कहा गया है कि अयोध्या के रूप में भारत को एक नया टूरिस्ट स्पॉट मिला है। वहां सही तरीके से फैसिलिटीज डेवलप हुई तो हर साल 50 मिलियन यानी के 5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट को ये प्लेस अट्रैक्ट कर सकता है। ऐतिहासिक शहर अयोध्या में इस समय करीब $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से मेकओवर चल रहा है। इसमें एक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, न्यू टाउनशिप, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी एटसेट्रा शामिल है। शहर में कई नए होटल्स भी खुल रहे हैं। इसी के साथ वहां मॉल और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होगा। इन सभी का वहां की इकोनॉमी पर मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ कई गुना प्रभाव इस इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अयोध्या भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक टेम्पलेट है। $10 बिलियन का मेकओवर अब इस प्राचीन शहर को ग्लोबल रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म हॉटस्पॉट में बदलने के लिए तैयार है। नया राम मंदिर $225 मिलियन की लागत से बनेगा। टूरिज्म बढ़ने और अयोध्या में इकोनॉमिक एंड रिलीजियस माइग्रेशन बढ़ने का भी एस्टिमेट लगाया गया है। होटल, एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी, FMCG, सीमेंट एटसेट्रा समेत कई सेक्टर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। अयोध्या में नया एयरपोर्ट बनकर भी तैयार हो गया है। पहले फेज का काम $175 मिलियन में पूरा हुआ जो 10 लाख पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है। इसका विस्तार भी चल रहा है जो कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों में हो रहा है। इसके साल 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। इसके पूरा हो जाने के बाद अयोध्या के एयरपोर्ट पर साल में 60 लाख पैसेंजर्स के हैंडलिंग की कैपेसिटी हो जाएगी। वहीं अयोध्या में पहले एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। अयोध्या के मुकाबले वहां का फैजाबाद रेलवे स्टेशन ज्यादा बड़ा था। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही अयोध्या में नए रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया। अब इस रेलवे स्टेशन में हर रोज 60,000 पैसेंजर्स की हैंडलिंग करने की कैपेसिटी हो गई है। इसके अलावा अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक ग्रीन फील्ड टाउनशिप की योजना भी तैयार हो गई है। पिछले दिनों ही खबर आई थी कि इसी टाउनशिप में बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने कई करोड़ के निवेश से एक प्लॉट लिया है। इस टाउनशिप में दूसरे लोगों के लिए भी प्लॉट की बिक्री जारी है। ये ग्रीन फील्ड 1200 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई होगी। इसी के साथ अयोध्या को देश के अलग अलग हिस्सों में सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जा रही है। आपको पता ही है कि इंडियन इकोनॉमी में भी टूरिज्म का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कोरोना काल से पहले देखें तो साल 2018-19 में टूरिज्म सेक्टर ने GDP में $194 बिलियन का कंट्रीब्यूट किया था। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2032 से 2033 तक 8% CAGR से बढ़कर $443 बिलियन होने की इसकी उम्मीद है। वैसे भी भारत में टूरिज्म टू GDP रेशियो GDP का 6.8% है। यहाँ रिलीजियस टूरिज्म का भी साइज काफी बड़ा है और ये देश के करीब हर स्टेट में फैला हुआ है। टूरिज्म का GDP में कितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आज के टाइम में हम देख सकते हैं। ऑल्दो हम लोग मानते हैं कि बहुत सारी कमियां भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देश के लोकप्रिय धार्मिक सेंटर्स में हर साल 1 से 3 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। ऐसे में बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रा के साथ एक नए धार्मिक पर्यटन केंद्र जो कि अयोध्या है, उसका निर्माण बड़ा आर्थिक प्रभाव पैदा कर सकता है। तो इस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का बनना और अयोध्या का डेवलपमेंट होना भारत की इकोनॉमी पर एक अच्छा खासा एक लार्ज इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।